हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय इनस्टारो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी कजमा वीडियो लेकर आई हूँ। आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की, तो आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए और उनका एक्शन क्या होगा, उनका मूड कैसा है, उनके डीप इमोशंस क्या है आपके लिए, तो ये कलेक्टिव रीडिंग है और सारे साइन के लोग देख सकते हैं। मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सबके लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुन लेना है और जितनी भी एनर्जी रेजोनेट हो उतना लेना है और बाकी को जाने देना है। तो चलिए, रिलैक्स हो जाइए। आप अपने पर्सन के बारे में सोचें, लेकिन अपना सम्मान करें, ठीक है, अपनी वैल्यू करें, क्योंकि अगर आप जरूरत से ज़्यादा देते हो तो कहीं ना कहीं आप निगलेक्ट किए जाते हो। तो जहाँ किसी के रिश्ते में बार बार शर्त आ रही है, पैसा आ रहा है, या फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है, या फिर ज़रूरत से वो इंसान आपके पास आ रहा है या जा रहा है, ये मेल और फीमेल जो भी हो वो ले लें। और यहाँ पे जोर जबरदस्ती से रिश्ते नहीं चलते। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ ज़रूरत है और शर्त है और मतलब है, वो रिश्ते कभी भी नहीं चलते। अगर इसमें से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं, अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ें आ रही हैं, पैसा, शर्त, ज़रूरत, बहुत ज़्यादा फिजिकली होना और 9-11 हो जाना, रिश्ते से भागना, झूठ बोलना, तो बाबू ये रिश्ता कभी भी नहीं चलता। ये मेरे तरफ से गाइडेंस है और जिनकी ये एनर्जी मैच होती है, जो मैं गाइड कर रही हूँ, उसको ज़रूर फॉलो करें और अपने आप को भी बदलें, ठीक है। जहाँ मतलब होता है, जो इंसान सिर्फ आपके आपके पास, मतलब उनके मन में सिर्फ सेल्फिश नेचर होते हैं, सिर्फ आपसे ज़रूरत से आते हैं, उससे डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि वो चीज़ बाद में आपको ट्रिगर दे सकती है, प्रॉब्लम दे सकती है, आपके लाइफ को उथल पुथल कर सकती है। तो ये मेरे तरफ से गाइडेंस है, इसलिए अपना कॉन्फिडेंस बनाएं। और जहाँ मतलब का रिश्ता हो, सिर्फ आप मतलब से जाने जा रहे हो उनकी ज़िंदगी में, तो वो रिश्ता रिश्ता नहीं है। यहाँ से खुद को बदलिए और अपने न्यू विज़न, अपने नए रास्ते को भी देखिए। ऐसा नहीं है कि आपके लिए इस संसार में खुशी नहीं है, काम नहीं है और आपको लोग प्यार नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ मतलब हो और शर्त हो और पैसा हो, तो वहाँ पे मत जाइए, ठीक है। ये मेरे तरफ से गाइडेंस है, बाकी आपकी पर्सनल लाइफ पे हजारों हजार लोग देखते हैं, इनमें से जो जिनको गाइडेंस अच्छी लग रही है उनको लेना है और बाकी को जाने देना है। तो चलिए, रिलैक्स हो जाए। ऑल आर्कएंजल, दिव्य शक्ति गाइड करें। आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की स्पेस गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन और उनका मूड मेरे व्यूअर्स को लेकर एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। क्योंकि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, ठीक है, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। जिसे भी देखिए, सब अपने आप में गुम है। इसलिए बाबू, किसी से कंपैरिजन नहीं, किसी की बराबरी नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। आपके खुद में खुद ये क्वालिटी है या कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, डिसीजन लेने का, तो ज़रूर करें, लेकिन किसी से कंपैरिजन नहीं, बराबरी नहीं और उसके जैसा बनना नहीं, ठीक है। किसी पे जबरन हक दिखाना भी ठीक नहीं है। जिस आप जबरन किसी पे हक दिखाते हो ना, वो इंसान आपको बाद में ट्रिगर करता है। जबरदस्ती उस पर जहाँ आपने फोकस करने की कोशिश की, वो इंसान आपसे दुनिया बनाता है, स्पेस बनाता है। जो भी हो आपके लाइफ में, मेल हो फीमेल हो, इन्हें कभी भी कंट्रोल अपने तरफ से मत करें, ठीक है। क्योंकि जहाँ कंट्रोल करते हो ना कि तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, वो चीजें ब्लॉकेज आ जाती है। चलिए, ब्रेक थ्रू, गोइंग विद द फ्लो। इसलिए जिनको ये गाइडेंस लेना है लीजिए और जिनको नहीं लेना है वो मत लीजिए।
ऑर्डिनरीनेस. प्लीज गाइड करें क्रिएटिविटी. कंपैरिजन की मैंने बात बोली तो कंपैरिजन भी आया है, चेंज भी आया है, न्यू विजन भी आया है, द वर्डन भी आया है. और ये गाइडेंस होगी बाबू आप सबके लिए. जिनको ये गाइडेंस अच्छी लगती हो तो आपके जीवन संवर सकते हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो. ठीक है. जिंदगी क्या है जानने के लिए दिल का मिलना बड़ा जरूरी है. इसीलिए बहुत जरूरी होता है इंसान यार संसार में सब एक दूसरे का मतलब दिल दुखाना, मतलब इंसान संसार में एक दूसरे को फीलिंग्स को समझ ही नहीं रहा, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर ही नहीं रहा, सबको अपनी मर्जी चलानी है. तो ऐसे तो रिश्ता चलता नहीं है बाबू. और आज देख रहे हो समय कितनी तीव्र गति से बढ़ रहा है. जग में सचो तेरो नाम हे राम हे राम हे राम हे राम. जग में सचो तेरो नाम. पैशनेट फील कर रहे हैं, इमोशंस हाई है इस बार. आगे पीछे कुछ नहीं देखना चाहते हैं, वो आपके साथ आना चाहते हैं. अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन है तो कहीं ना कहीं उसे क्लियर भी करना चाहते हैं. द मून द टू पेंटिकल्स क्वीन ऑफ वांड्स. बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपके साथ न्याय करना चाहते हैं और आपके साथ जो करना चाहते हैं आप समझ रहे हो. क्रिएटिविटी एंड द डेविल, क्या बात है. जजमेंट टावर 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 द वर्ल्ड. रब ने बनाया मुझे द चैरियट टेम्परेंस सो एम ची. ओ माय गॉड सेवन ऑफ सोर्ड्स. मैं लास्ट में कुछ कार्ड को क्लियर भी करूंगी. ठीक है. कुछ तो क्लियर कह रहा है कार्ड, कुछ क्लियर. मैं टावर को क्लियर करूंगी, सेवन ऑफ सोर्ड्स को क्लियर करूंगी. ठीक है. मैं दो कार्ड और निकालना चाहूंगी. इन जस्ट गोइंग द फ्लो पेज ऑफ कप्स एंड टावर क्यों आया. जस्ट प्लीज क्लियर करें द टावर क्यों आया है. जस्ट प्लीज गाइड करें द टावर क्यों आया है. जस्ट प्लीज गाइड करें. एट ऑफ पेंटिकल्स. अच्छा अच्छा सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों है. जस्ट द डेविल क्रिएटिविटी. सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों है. जस्ट प्लीज गाइड करें. सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों है. जस्ट अच्छा वर्ड ऑफ द डेक से एट ऑफ वॉन्ड. तो बहुत सारे व्यूअर्स देखिए फिर से वही कर रहे थे एम्परर और एट ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है. बहुत सारे व्यूअर्स आप लोग कॉल मैसेज रिसीव करने वाले हो. ठीक है. और यहाँ पे साइन मैं बता देती हूँ. कैप्रिकॉन टॉरस वर्गो की एनर्जी है. लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है. एरिस लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जी है. पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी. तो लगभग सारे साइन है. मेष सिंह और धनु, मीन कर्क और वृश्चिक, मकर वृषभ और कन्या, तुला कुंभ और मिथुन. तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स जी आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं. द मून की वाइब्रेशन है. ठीक है. देखिए आज की एनर्जी में देखा जाए तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर द फूल की एनर्जी में है. मतलब आपके साथ थोड़ा ये एंजॉय करना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं. यहाँ पे ये नहीं सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा और पीछे क्या होगा. ठीक है. और अगर आप दोनों में
अगर कन्फ्यूज़न है, बैलेंस्ड एनर्जी नहीं है, तो आपके पार्टनर इस रिश्ते में एक नई शुरुआत के साथ रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं। देखिए, मिस भी बहुत कर रहे हैं आपको द मून की वाइब्रेशन, तो ये मिस भी आपको बहुत कर रहे हैं। ओ एम जी, कार्ड्स नीचे गिर गए। वन मिनट डियर जी। कार्ड भी देखो कैसे गिरे हैं, आप देख लो, कार्ड ऐसे गिरे हैं, ऐसे गिरे हैं, ये कार्ड खुद नीचे गिरे, और देख लो चैरियट की एनर्जी आई, चैरियट की एनर्जी यहाँ भी है। तो मैं यहाँ बोलना चाहूँगी, चैरियट की भी एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है। तो बहुत सारे व्यूवर जी, आपके पार्टनर मिस करें, देखो उनका दिल नहीं लग रहा, क्योंकि ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी भी है, द फुल की एनर्जी है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त जो उनके मन में चल रहा है, शायद वो एक्सप्रेस करे या ना करे, बट इनके मन में है कि वो आपके साथ न्याय तो करेंगे, ठीक है, लेकिन इस पर्सन को आपके साथ कैसे बात करना है, कैसे आपको मनाना है, कैसे रिश्ते को बैलेंस करना है, कैसे इमोशंस को इजहार करना है, कैसे आपको ऑफर करना है और कैसे आपकी तरफ बढ़ना है, ये एक स्ट्रांग प्लानिंग चल रही है, ठीक है। लेकिन मैं कुछ व्यूअर्स को कहना चाहूंगी कि इस दौरान बहुत सारे व्यूअर्स आपको स्मार्ट रहने की जरूरत है, ठीक है। देखिए, ये पर्सन आपको पाने के लिए कुछ झूठ का सहारा भी लेंगे, क्योंकि उन्हें झूठ बोलना है। अब झूठ जो हो रहा है, वो झूठ क्यों आ रहा है, वो आपको मनाने के लिए, आपको पाने के लिए। झूठ मीन्स मतलब कुछ भी ये कह सकते हैं, अगर ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, आपसे मुलाकात नहीं कर रहे थे, चीजें छुपा रहे थे, चीजें हाइड कर रहे थे, तो ये पर्सन अब आपसे चीजें छुपा सकते हैं आपको पाने के लिए, कुछ ये झूठ बोल सकते हैं आपके करीब आने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि आपके बिना उनकी जो लाइफ है उथल पुथल है, बैलेंस नहीं है, और ये एक नई शुरुआत तो चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग में कहीं ना कहीं आज भी रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है, ठीक है। इस वक्त कुछ व्यूअर्स की वाइब्रेशन है कि यहां इस वक्त आप इस रिश्ते को लेकर या लाइफ में कुछ डिसीजन को लेकर आप कंफ्यूज्ड हो। कुछ व्यूअर्स की वाइब्रेशन है कि कहीं ना कहीं आप लाइफ में या डिसीजन को लेकर या रिश्ते को लेकर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। कभी बात करना भी चाहते हो, डिस्टेंस भी मेंटेन करना चाहते हो, डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं दूर की सोच रहे हो, मतलब दूर की सोच रहे हो कुछ फ्यूचर क्लियरिटी और जस्टिस और कुछ पॉजिटिव चीज, और ये चीज कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कंफ्यूज हो और सोच भी रहे हो क्या करे क्या ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं आप दूर की सोच रहे हो, जो कि यहाँ पे भले ही आप डिसीजन ना ले रहे हो, बट आपके अंदर जो सोचने की क्षमता है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है, ठीक है। क्योंकि जज्बात में आकर जहां जीवन बैलेंस ना हो, रिलेशनशिप बैलेंस ना हो, और कुछ अचानक से आप डिसीजन ले लो और वो डिसीजन बेकार हो जाए, तो उससे अच्छा है कि थोड़ा कंफ्यूज हो लो, सोच लो, समझ लो और थोड़ा वक्त ले लो, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ आपके साथ पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान भी देना है और इस दौरान आपको स्मार्ट भी रहना है, क्योंकि गॉड आपके साथ है, कृष्ण आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। और बहुत सारे व्यूवर्स इस वक्त मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है, आपको बहुत अच्छे अच्छे साइन मिल रहे हैं,
ठीक है। अच्छे मीन्स आपके स्ट्रेंथ के लिए, आपको हील करने के लिए, आपके अंदर जो एंजेलिक पावर है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है। कुछ सिंबल्स या कुछ साइन पर आपको फोकस करना है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मैसेज है वीवर जी, कुछ आपके साथ धोखे भी हो रहे हैं, चाहे आपके पार्टनर से हो, रिश्ते में हो, करियर में हो, बिजनेस में हो, जैसे भी हो, कुछ व्यूअर्स थोड़ा सा आपको यहाँ पे एंजल्स गाइड करना चाहते हैं, कृष्ण गाइड करना चाहते हैं, डिवाइन गाइड करना चाहते हैं, भगवान आपके साथ हैं, बट यहाँ पे इस दौरान आपको स्मार्ट रहने की जरूरत है, ठीक है। अगर जो भी साइन मिल रहे हैं, सच हो, झूठ हो, कंफ्यूजन हो या कोई और बात हो, यहाँ पे आपको अवेयर भी रहना है, स्मार्ट होने की जरूरत है। आपके साथ क्या हो रहा है, सच झूठ धोखा चीजें छुपाना या किसी की पॉलिटिक्स हो सकती है। देखिए यहाँ पे एक गाइडेंस आप लोग के लिए आ ली, तो अपनी हीलिंग पर भी फोकस करें। यहाँ पे गॉड आपके साथ है, ये चीज आपको गॉड यूनिवर्स कृष्ण आपको कह रहे हैं, ठीक है। भगवान आपके साथ है, तो इस वक्त आपको अपनी इनर पीस से जुड़ने की जरूरत है। आपके साथ गलत हो रहा है, धोखा हो रहा है, चीटिंग हो रही है, इस पर व्यूवर्स जी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण भगवान का मैसेज है, ठीक है। और यहाँ पे अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति की एनर्जी है, तो इस एनर्जी को थोड़ा सा आप फॉलो करें, ठीक है। देखिए मुझे लगा किसी प्रकार का कुछ व्यूवर्स आने वाले टाइम में, आज की आज मैं बात नहीं कर रही हूं, मुझे लग रहा है कुछ व्यूवर्स आपके साथ गलत हो रहा है कहीं ना कहीं से, ये नहीं कि आपके पार्टनर से हो रहा है। टावर की एनर्जी है, सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि आपके साथ गॉड है, ठीक है, आपके साथ शिव शक्ति है, ठीक है, अर्धनारीश्वर है और कृष्ण है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ टावर भी है, सेवन ऑफ सोर्ड्स भी है। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, मुझे लग रहा है कि आपको अपने लाइफ में भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोच समझकर चलने की जरूरत है। हर इंसान पे पूरी तरह फेथ करने की जरूरत नहीं, विश्वास करने की जरूरत नहीं, ये आपके पार्टनर की बात नहीं है, ऊपर नीचे आगे पीछे रिलेटिव फ्रेंड सर्किल कॉलिक सोशल मीडिया चाहे आपसे जुड़े हुए लोग हों, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए। और एक चीज भी वर्जी, यहाँ पे क्रिएटिविटी आई है, सेवन ऑफ सोर्स है, द डेविल है। अगर आप कोई काम करने जा रहे हो, कोई डिसीजन लेने जा रहे हो, तो थोड़ा सावधान हो जाएं। पहले पेपर को आपको पढ़ना है, पूरी तरह उस पेपर को देखना है, अगर कोई पेपर आपके सामने आ रहा है, या चाहे वो जॉब को लेकर हो या कोई और भी पेपर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा वक्त लेना है और उस चीज को बहुत बारीकी से देखना है, नहीं तो आपने कुछ काम करने की सोची चाहे वो किसी के साथ और आपके साथ कुछ गलत हो गया, तो थोड़ा आपको अवेयर रहना, कुछ भी करने से पहले आपको सोचना है, वक्त लेना है, डिसीजन लेना है, तब जाकर चाहे वो पेपर हो या कोई काम हो, तभी आपको डिसीजन लेकर आगे बढ़ना है। ये कुछ व्यूअर्स आपके साथ अवेयरनेस की एनर्जी आई है, क्योंकि टावर भी है, सेवन ऑफ सोर्ड्स द डेविल भी है, क्रिएटिविटी भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे बिंदास रहिए, क्योंकि भगवान आपके साथ है, ये गाइडेंस आप लोग के लिए मिली है जिनके लाइफ में कुछ ऐसे वैसे काम चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए बहुत सारे व्यूअर जी आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं, सबसे बड़ी वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग रिलेशनशिप में इनबैलेंस एनर्जी है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इस पर्सन को देखा जाए तो मिस भी कर रहे हैं, और यहाँ ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी, एट नंबर स्ट्रगल दिख रहा है भाई। देखिए इस पर्सन के जो डीप इमोशंस कह सकते हो और प्यार कह सकते हो, एक इंसान जो है ना प्यार है, लेकिन ये इंसान खुद को नहीं समझ पा रहा या खुद को नहीं समझ पा रही, क्योंकि पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, ना इनके लाइफ में ना आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। लेकिन ये बंदा या बंदी जो भी है, इस रिश्ते को चाहता है या चाहती है, इस रिश्ते को चाहता है या चाहती है, और इस रिश्ते पे ये काम करना चाहते हैं। इस पर्सन को कहीं भी दिल नहीं लग रहा,
मन बिल्कुल नहीं लग रहा, और हो सकता है ये खुलकर आपको प्यार शो नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ये पर्सन द फुल की वाइब्रेशन में आ रहे हैं, कभी तो ये आपके साथ फन मस्ती मजाक करना चाहते हैं, बिंदास रहना चाहते हैं, लेकिन रह रहे कर कभी कभी ये कंफ्यूज हो जा रहे हैं। होता है ना, जैसे अचानक से मूड अच्छा हुआ और थोड़ी देर में मूड स्विंग्स हो गए, तो ये कभी कभी मिसिंग एनर्जी के साथ साथ कंफ्यूज भी हो रहे हैं। कभी कभी इनके अंदर होता है ना, आपके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तो हेल्पलेस वाली वाइब्रेशन भी इन्हें दिख रही है। लेकिन देखा जाए तो आपके पार्टनर इस वक्त इस रिलेशनशिप पे ये काम करना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि ये हर कोशिश कर रहे हैं, ये हर कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो वर्क प्लेस पर हैं, जहां भी हैं, या ये ट्रैवल भी कर रहे हैं, ये पर्सन छुप छुप कर आप पर निगाहें नजर रख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो माइंड बॉडी सोल है उसमें बहुत भटकाव है, क्योंकि हर कोशिश करने के बाद भी चीजें सही नहीं हो रही हैं। ठीक है, और कोई तीसरे की वजह से कहीं ना कहीं आप लोग में डिस्टेंस भी है। ठीक है, यहां पे ये पर्सन, मुझे लग रहा कि बहुत सारे व्यूअर्स इस रिश्ते में आपने भी बहुत कुछ देखा है और झेला है। ठीक है, और कभी कभी कहीं ना कहीं आप बहुत टूटे भी हो इस पर्सन के को लेकर। तो देखिए, ये रिश्ता जिस तरह आप लोगों ने चलाया है और प्रॉब्लम्स आई है, तो ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते में आगे कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा, बट यहाँ पे जहाँ भटकाव है तो रिश्ते में ब्लॉकेज आने ही आने हैं, क्योंकि सेवन ऑफ सोर्ट्स भी है, द टावर भी है, ठीक है, द मून की एनर्जी है, ऑर्डिनरीनेस है, तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और कंफ्यूजन तो एनी टाइम है। कंफ्यूज हैं और ये खुलकर जो बात करना चाहते हैं वो नहीं करते हैं, कि कुछ भी अगर ये आपसे कहें तो आप एक बात के कई सवाल करोगे, लेकिन इस वक्त ये बंदा या बंदी आप के लिए बहुत पैशनेट फील कर रहा है, मेंटली भी एंड फिजिकली भी। ये झूठ कह सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं आपके करीब आने के लिए, इमोशनल एक ड्रामा भी कर सकते हैं आपको पाने के लिए। ठीक है, और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा भी वक्त नहीं मिल रहा, मैं बहुत बिजी हूँ और मुझे एक सेकंड खाने का भी फुर्सत नहीं, मैं इतना बिजी हूँ, मुझे वक्त निकालना होगा तुमसे बात करने के लिए। ठीक है, लेकिन इमोशंस हैं, क्योंकि उन्हें इमोशंस ये कह रहा कि वो आपसे मिले, और ये फिजिकल लेवल पर इन्हें आपको लेकर आपके करीब आने के लिए इन्हें झूठ का सहारा भी लेना पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ ये प्लान कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि ये बार बार याद रखिए कि क्रिएटिविटी आई है और द डेवल है सेवन ऑफ सोर्ड्स है, तो ये झूठ भी बोलेंगे, कुछ प्लान भी करेंगे आपके करीब आने के लिए, क्योंकि हर हाल में इन्हें आपको पाना है। ठीक है, इन्हें हर हाल में आपको पाना है, और बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक टावर की वाइब्रेशन है। ठीक है, तो ये टावर क्यों आया है, ये टावर आप लोग के बीच में आ भी सकता है। ठीक है, लेकिन ये टावर इसलिए आया है कि आपको लेकर ये कंफ्यूज है कि आप अपने इमोशंस को छुपा रहे हो, या झूठ बोल रहे हो, या इनके साथ धोखा कर रहे हो, ये इनके मन में भी है। ठीक है, आप टावर इनके लाइफ में इसलिए आया है, ये टावर कहीं ना कहीं आपके वजह से आया कि आप बदल रहे हो ना, तो ये पर्सन को लग रहा है कि मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़क रहा है, लेकिन तुम मेरे लिए इतना इमोशनल क्यों नहीं हो रहे हो, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं। ठीक है, और अंदर से तो देखिए पाने की चाह भी है, आपके करीब आने की भी चाह है, एक तरपाना एक भटकाने वाली एनर्जी है, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, रिश्ते में एक न्यू शुरुआत हो रही है, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, और ये प्लानिंग जो है आपके पार्टनर को आपके पास आने का, रिश्ते को बैलेंस करने का, सच झूठ जो भी आप दोनों के बीच में है उसे बैलेंस करके रिश्ते में एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करने का। ठीक है, तो आपके पार्टनर एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, ट्रैवल भी दिख रहा है,
और देखिए ना यहाँ ब्रेक थ्रू, एस ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। तो देखिए यहाँ पे एक नई शुरुआत तो चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे एक चीज दिख रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ने आपने अपने पार्टनर को कुछ कहा है, ठीक है, कुछ तो आपने कहा है, ये वाली वाइब्रेशन है, या कुछ आपने डिसीजन लिया है, ये वाली बात है। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए इतना पैशनेट हो रहा है और आप उनको जज कर रहे हो, ठीक है। तो ये कह रहे कि मुझे जज मत करो, मैं काफी तुम्हारे लिए पैशनेट फील करता हूँ या करती हूँ और तुमसे ही प्यार करता हूँ। तो ये इस पर्सन को लग रहा है कि शायद आप इन्हें जज कर रहे हो, तुम किसी और के साथ हो, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो, मुझे ये बात मालूम हुई है। तो इस तरह की वाइब्रेशन मुझे दूर दिख रही है। लेकिन वो कहेंगे, वो क्या कहेंगे, भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं काम पर फोकस करता हूं या करती हूं, मेरे पास इतना टाइम कहाँ है, खाने का, पीने का, सोने का भी टाइम नहीं है, और तुम ही मेरी जिंदगी पे काफी हो, मैं किसको लेकर चल सकता हूं या चल सकती हूं। तो कुछ इस तरह की वाइब्रेशन मुझे दिख रही है। तो ये पैशनेट एनर्जी में है, अट्रैक्शन एनर्जी में है, लेकिन आप रिश्ते पे काम करेंगे नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा इनके मन में थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ इधर उधर भटक रहे हैं कुछ। आज आपके पार्टनर ट्रैवल भी कर रहे हैं, आज आपके पार्टनर आपसे मिलने के अलावे भी ये ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और उस दौरान ये आपको बहुत मिस करें। अगर ये कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं तो कुछ जैसे होता है ना कहीं रास्ते में जाना और कुछ देख कर आपकी याद आ जाना, तो यहाँ पे कुछ वर्ष आपके पार्टनर को आपका नाम भी दिख रहा है, कुछ यादें भी हैं। अगर उनके साथ आप कहीं घूमे हो, ट्रैवल किए हो, तो कुछ ऐसे साइन उनको दिखाई दे रहे हैं जहाँ वो आपको याद कर रहे हैं, उनका मन भटक रहा है, वो मिस कर रहे हैं और आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। तो कुछ वर्ष आपके पार्टनर जो है आज ट्रैवल भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस ट्रैवल के दौरान में आपकी यादें साथ है, ठीक है, तो ये यादें साथ है और ये एक्शन लेना चाहेंगे। तो बहुत सारे व्यूअर्स ये कुछ परिवर्तन हो रहा है आज, कुछ जो परिवर्तन है क्योंकि यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस द मून द चैरियट, अगर ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या काम के सिलसिले में भी ये ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे आप देख सकते हो। देखिए इनके अंदर ना अभी भी एक एटीट्यूड पावर है, ठीक है, इस पर्सन में थोड़ा एटीट्यूड है, भाई मैं हूँ, मैं किसी से कम थोड़ी हूँ, मैं ही क्यों, लेकिन सिर्फ दिखावा है और अंदर से तो आपको ये चाहते हैं, ठीक है, ये एटीट्यूड, ये गुस्सा सिर्फ आपके ऊपर दिखाते हैं, बाकी सबके सामने टाइम टाइम फीस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन देखिए अभी ये थोड़ा ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस ट्रैवल के दौरान में ये पर्सन की याद आएगी, इस पर्सन को आपकी याद आएगी और ये आपसे बात करना चाहेंगे। कुछ ऐसी यादें ट्रैवल में जुड़ने वाले हैं जो उनको तड़पाने वाले हैं, ठीक है, और कुछ झूठ कुछ सच उनको याद आएगी और ये प्लानिंग आज हो सकता है कि कुछ वर्ष आज आपके पार्टनर ये प्लानिंग करें, अगर आप में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो। अगर ये ट्रैवल भी करें, चाहे काम के सिलसिले में करें या ट्रैवल करें, यहाँ ट्रैवल की एनर्जी स्ट्रांग है, लेकिन इस ट्रैवल के दौरान कुछ ऐसी यादें जुड़ेगी जहाँ आपके पार्टनर आपके दीवाने होंगे और आपको मिस करेंगे। हो सकता है कि इस बीच आपके तरफ वो कॉल मैसेज भी करें, देखने की चाह बढ़े और कुछ प्लानिंग हो कि आपके साथ कैसे मिलना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी भी है कि इस दौरान आपको मिस करेंगे और आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, और कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपकी तरफ थोड़ा फन करना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर भी अवेयर करना चाहूंगी क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर आपके करीब भी आना चाहते हैं। आप मेरी बात को अगर समझ रहे हो तो अच्छी बात है, अगर ट्रस्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा अवेयर रहे, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपके साथ न्याय करना चाहते हैं और जजमेंट की भी एनर्जी है, देख रहे हो, ऑर्डिनरीनेस द मून द चैरियट, तो ये एनर्जी दिखा रही है एट ऑफ वॉन्ड्स की, ट्रैवल के दौरान भी इनके साथ कुछ ऐसा होगा जहां ये डिवाइन प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ये आपके पार्टनर अपनी पावर में, अपने ईगो नेचर में है, अगर ये कहीं ट्रैवल भी करे तो कुछ ना कुछ इनको ऐसे व्यू दिखाई देंगे, कोई ऐसा चीज उन्हें सामने आएगा जो आपकी याद दिलाएगा। अगर आपको इग्नोर भी कर रहे हैं, कन्फ्यूज है, आपकी यादों से ये दूर जाने की भी कोशिश करें, उसके बाद डिवाइन अपना काम करने वाले हैं, ठीक है।
उनको आपकी याद आएगी, आपका नाम, कुछ भी, गाना, कोई सॉन्ग, कुछ रास्ते में ऐसी फीलिंग्स उनको होगी कि जैसे लगेगा कि मुझे मिलना है, ठीक है। तो इस दौरान भी आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। ट्रैवल 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 ट्रैवल, तो ट्रैवल के दौरान कुछ ऐसे मोमेंट होने वाले हैं आपके पार्टनर के लाइफ में जो आपकी याद दिलाने वाली है और वो आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स कॉल मैसेज रिसीव होने वाली है, द फूल की एनर्जी है, कंफ्यूजन क्लियर करना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं। छुप छुप कर नजर रखना, आपकी जानकारी लेना और आपकी तरफ बढ़ने की प्लानिंग करना इस वक्त आपके पार्टनर कर रहे हैं। लेकिन कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर अभी भी थोड़ा अपने पावर में है, एटीट्यूड में है, लेकिन ईगो के वजह से आपको पाने के लिए एक झूठ का सहारा भी लेंगे, क्योंकि आपको पाना है और आपके करीब आना है, क्योंकि आपको ये खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। आपको ये खोना नहीं चाहते क्योंकि आज की एनर्जी में पैशनेट एनर्जी भी है बहुत ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। कॉल मैसेज, ट्रैवल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, द वर्ल्ड है, एट ऑफ वॉन्ड्स है, द चैरियट है, ऑर्डिनरीनेस है, द फूल है। बहुत सारे व्यूअर्स ट्रैवल की एनर्जी स्ट्रांग है, हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स आप मिलने भी जा रहे हो, ठीक है। एट नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एट नंबर इंपॉर्टेंट है, सेवन नंबर इंपॉर्टेंट है, एट नंबर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्शन, इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है, रीयूनियन, ओ माय गॉड। बहुत सारे व्यूअर्स आपके साथ न्याय करेंगे, क्योंकि ये कार्ड कह रहा था न्याय करेंगे, लेकिन आपको पाने के लिए झूठ भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पाना है आपको। तो बहुत सारे व्यूअर्स गुड न्यूज मिल सकती है, बहुत जल्द गुड न्यूज की एनर्जी, द वर्ल्ड की एनर्जी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बात है, आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपके साथ अपना फैमिली देख रहे हैं, आपके साथ दुनिया देख रहे हैं, आपके साथ ट्रैवल देख रहे हैं, लेकिन कभी कभी अपने पावर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जो भी पावर का इस्तेमाल आपके सामने ये करेंगे ना, वो सिर्फ दिखावा करेंगे, ठीक है। अंदर से तो पाने की क्षमता बहुत स्ट्रांग है, आप देख लो, ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं बहुत करीब से। लेकिन कुछ व्यूअर्स मैंने जो गाइडेंस दी है, प्लीज उस गाइडेंस को जरूर फॉलो कीजिएगा, आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसी तरह का कंपैरिजन हो रहा है, तो किसी से आपको कंपैरिजन नहीं करना है। जो मैंने कहा, अपने लाइफ में भी चेंज लेके आई, रिलेशनशिप में भी चेंज आ रहा है। 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, एडवेंचर और न्यू विजन। तो कुछ ना कुछ आपके पार्टनर की प्लानिंग है, कुछ ना कुछ तो विजन क्लियर हो रहे हैं। और कुछ व्यूअर्स आपके लिए भी ये जरूरी है कि अपने लाइफ में भी कुछ रास्ते को देखें, कुछ करने का आपके अंदर जो आइडियाज है उस पर काम करें, जीवन में चेंज लाएं और किसी का कंपैरिजन ना करें, ठीक है। ये आप सबके लिए गाइडेंस है। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आ रहे हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं, यहां आपको पाने की चाह है। जो इंसान पाने के लिए झूठ भी कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त बिंदास आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी इनके अंदर जो पावर में एटीट्यूड है वो आ रहा है, क्योंकि भटक भी रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं, इस दौरान आपको पाना भी चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कार्ड ऐसे हैं जो पॉजिटिविटी को दिखा रहे हैं, गुड न्यूज को दिखा रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं, दुनिया देखते हैं। और बहुत सारे व्यूअर्स गुड न्यूज मिलने वाला है आपको आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। तो ये है आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अगर अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।